हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज आपको एक स्टोरी कहना चाहता हूँ, वैल्यू ऑफ 7 रुपीज़। बहुत अच्छी स्टोरी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टोरी को सुनिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नोबल पुरस्कार प्रोफेसर सीवी रामन अपने रिटायरमेंट के बाद एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे बेंगलोर में। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दी 3 फिजिसिस्ट के लिए। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसमें अप्लाई किया। उन्होंने सोचा कि सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या प्रोफेसर नोबल पुरस्कार प्रोफेसर सीवी रामन से मुलाकात तो हो जाएगी। तो इंटरव्यू के पहले सिलेक्शन में 5 लोग सिलेक्टेड हुए। अब आखिरी इंटरव्यू प्रोफेसर सीवी रामन लेने वाले थे, तो उनमें से 5 में से 3 सिलेक्टेड हुए। तो अगले दिन प्रोफेसर सीवी रामन वॉक कर रहे थे और तभी उन्होंने एक यंग मैन को बाहर देखा जो उनसे मिलने आया था। उन्होंने सोचा कि ये तो वही इंसान है जो सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो प्रोफेसर ने उस यंग मैन से पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उस यंग आदमी ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वो कल इंटरव्यू देने आया था तब उसने जो क्लेम किए थे पैसे, तो उससे 7 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, तो वो 7 रुपये वो आज लौटाने आया है। तो प्रोफेसर ने कहा कि आज अकाउंट तो क्लोज है। फिर प्रोफेसर ने कहा कि आप पैसे रख दीजिए, आप इसे इंजॉय कीजिए। तो फिर उस यंग मैन ने कहा कि नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता जो मेरे नहीं है। तो प्रोफेसर सीवी रामन ने कहा कि तुम ये पैसे मुझे वापस देना ही चाहते हो तो मुझे दे दो। तो प्रोफेसर रामन ने उस पैसे को रख लिया। तो थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर सीवी रामन ने उस यंग लड़के से कहा कि कल तुम मुझे सुबह 10:30 बजे मिल सकते हो। उस यंग लड़के ने सोचा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ऐसे महान आदमी को मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ। तो अगले दिन वो यंग मैन प्रोफेसर सीवी रामन से मिलने आ गया। प्रोफेसर सीवी रामन ने कहा कि तुम फिजिक्स की टेस्ट में तो फेल हो गए, बट तुम हॉनेस्टी की टेस्ट में पास हो गए, तो मैंने तुम्हारे लिए एक नई पोस्ट का इंतज़ाम किया है। तो वो यंग लड़का सरप्राइज हो गया और खुशी खुशी उसने वो जॉब ज्वाइन कर दी। बहुत सालों के बाद उसे भी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1983 में, जिनका नाम है प्रोफेसर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। तो यही थी दोस्तों द वैल्यू ऑफ 7 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं हॉनेस्टी की आप मिसाल देख सकते हैं इस स्टोरी में। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, हाउ द 7 रुपीज़ चेंज हिज लाइफ। तो इसी तरह प्रतिभा में कमी हो तो इसे मेहनत, मार्गदर्शन, दूसरों की मदद से पूरा किया जा सकता है, लेकिन चारित्र और मूल्यों में कमी हो तो उसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये थी स्टोरी द वैल्यू ऑफ 7 रुपीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।